वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी देखी जा रही है, राजनीति भी अब काफी बढ़ गई है। जेल में अपने पिता से मिलने तो मासूम बच्चे जाते हैं और उनके चेहरे पर ये स्याही लगा दी जाती है, ठप्पा लगा दिया जाता है। और ये वो ठप्पा है जो अमूमन जब जेल में कैदी से मिलने कोई जाता है तो पहचान के तौर पर, शिनाख्त के तौर पर ये ठप्पा लगाया जाता है। अमूमन ये ठप्पा हाथ पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये ठप्पा लगा दिया गया इन मासूम बच्चों के चेहरों पर जो अपने पिता से मिलने के लिए भोपाल की सेंट्रल जेल पर गए थे। अब मामला तूल पकड़ चुका है, मामले पर सियासत शुरू हो गई है। रक्षाबंधन के दिन अपने पिता से मिलने के लिए गए थे, जहां पर जेल के स्टाफ ने उनके मुंह पर यह मोहर का निशान लगा दिया है और संवेदनहीनता की बात यहां पर कही जा रही है। एडीजी जेल गाजीराम मीणा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जेल मंत्री कुसुम महदले ने भी जांच कराने की बात कही है, लेकिन सेंट्रल जेल के अधीक्षक दिनेश नरवरे ये मानने को ही तैयार नहीं है कि बच्चों के मुंह पर मोहर लगाकर उनके स्टाफ ने कोई गलती की है। मामला सोमवार का है जब राखी के त्यौहार पर कैदियों के परिजन उनसे मिलने जेल आए थे। एक कैदी के बच्चे भी अपनी मां के साथ पिता से मिलने गए थे और फिर क्या हुआ, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहां पर ये ठप्पा लगाया गया है और संवेदनहीनता की एक बात यहां पर कही जा रही है। शिवराज सरकार पर विपक्ष का निशाना यहां पर अब शुरू हो चुका है, मामले का राजनीतिकरण हो चुका है। जांच की बात भले ही यहां पर कह दी गई है जेल अधीक्षक की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी अब कांग्रेस यहां पर शिवराज सरकार पर निशाना साध रही है। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम तथ्यात्मक रूप से भी इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है और क्या कारण रहे हैं कि सील चेहरे पे लगाई गई, जबकि निर्देश भी थे कि हाथ पे लगाई जाएगी, हाथ पे ही लगाई जा रही थी। इस मामले की जांच करेंगे और फिर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो बच्चों के मुंह पर यहाँ पर मोहर लगाई गई है और ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। विपक्ष यहाँ पर शिवराज सरकार पर निशाना साध रहा है। ये तस्वीरें वो हैं जो रक्षाबंधन पर ये अपने पिता से मिलने के लिए जेल जाते हैं, इनकी माँ साथ में होती है। अमूमन ये जो तस्वीर, जो ठप्पा आप देख रहे हैं, ये लगाया जाता है हाथ पर, लेकिन इसको लगा दिया गया चेहरे पर। जेल जो ISO जेल है उसके अंदर जहां से आतंकवादी पहले भाग चुके हैं और वहां पर मानवता इतनी समाप्त हो गई है, नियम अपनी जगह है, नियम होते हैं जेल के, लेकिन इसके बाद मासूम बच्चों के ऊपर सील लगा दी गई। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, उनके चेहरे के ऊपर सील लगा दी गई, इतना बड़ा गुनाह है कि इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता।